हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स के बारे में। तो हम उनका नाम देखेंगे, साथ में वो कहाँ के सोर्स से निकल रहे हैं वो देखेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे। मेनली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट या नर्सिंग में, वो आपको हॉर्मोन का नाम दे देंगे, या तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे या फिर उसका सोर्स पूछ लेंगे। फंक्शन बहुत कम आते हैं पर आपको पढ़ना वो भी है। तो देखिए, अगर हम बात करें पहला हॉर्मोन कौन सा होता है, गैस्ट्रिक शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं स्टमक से संबंधित है। तो इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, स्टमक से। स्टमक में कौन सी सेल से, जी सेल। जी फॉर गैस्ट्रिन, जी फॉर जी सेल, है ना, इजी है। तो जी सेल से निकलेगा गैस्ट्रिन। काम क्या करवाएगा, स्टमक के अंदर जितने भी सिक्रीशन है, जो हमारे सिक्रीशन पेप्सिनोजन का, प्रोरेनिन का, म्यूकस का, एससीएल का, तो जो स्टमक में आप देखिए स्टमक वाले लेक्चर में, तो उसमें जो भी सिक्रीशन आपने पढ़े थे वो सभी गैस्ट्रिन हार्मोन के कारण बढ़ जाएंगे। दूसरा हमारा हार्मोन है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये डिस्कवरी किसने की थी, दो साइंटिस्ट थे, बेलिस और स्टार्लिंग। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। सिक्रेटिन नाम किसने दिया था, स्टार्लिंग ने, है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन देखना है कि आपसे अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड सिक्रेटिन, तो आपको उसमें देखना है कि दो नाम होने चाहिए, बेलिस और स्टार्लिंग। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका नाम किसने दिया, तो केवल स्टार्लिंग आप करोगे, ठीक है। ये निकलता कहाँ से, एस सेल से निकलता है, ड्यूरिनम में। ड्यूरिनम में एस सेल्स होती हैं, उनसे निकलता है सिक्रेटिन। इसका काम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, सिक्रेशन को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा तो किसका सिक्रेशन को, जो पैनक्रियास और गॉलब्लैडर से जो सिक्रेशन हमारे निकल रहे थे, तो उन सिक्रेशन के ये बढ़ा देगा। और उन सिक्रेशन में भी क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाएगा और मेनली बाइकार्बोनेट्स को बढ़ाएगा। बाइकार्बोनेट्स को क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो स्टमक से फूड आगे की तरफ आने वाला है वो एसिडिक है और इंटेस्टाइन में एसिड से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हमें पहले उस एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करना है, एल्कलाइन में कन्वर्ट करना है। इसलिए एल्कलाइन पीएच बनाने के लिए ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स की संख्या को बढ़ा देता है। अगला हार्मोन है जीआईपी। जीआईपी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये कहाँ से निकलता है, के सेल से। वो के सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, ड्यूडेनम में। इससे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है, तो जो जितने भी स्टमक के अंदर मूवमेंट होने हैं उनको और साथ में उनके अंदर जितने भी सीक्रीशन होते हैं उनको ये डाउन कर देगा, ठीक है। अगला हार्मोन है वीआईपी। इसका मतलब है वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी बॉडी सीक्रीशन है उसको बढ़ा देता है। और ये निकलता कहाँ से, जो इंटेस्टाइन के अंदर नर्व्स पाई जाती हैं उन नर्व्स के थ्रू ये निकलता है, ठीक है। और इसका एक काम और मेजर फंक्शन होता है, इसको वैसो एक्टिव क्यों कहा गया, क्योंकि जो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उन सभी को ये डायलेट करवा देता है। तो डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स किसके द्वारा होता है, वीआईपी के द्वारा, ठीक है। अगला हार्मोन है सीसीके। सीसीके कहाँ से निकलता है, आई सेल्स ड्यूरिनम में, ठीक है। लेकिन सीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पॉलीसिस्टोकाइनिन। क्या फुल फॉर्म है, पॉलीसिस्टो। इसका काम क्या रहता, तो ये पैनक्रियास का सीक्रेशन बढ़ाता है और गॉलब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है। अगला हार्मोन है मोटिलिन। मोटिलिन नाम से समझ में आ रहा होगा, मोटिलिटी से संबंधित है। मोटिलिटी मतलब जो उसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं तो उसको करवाता है। कैसे होते हैं पेरिस्टाल्सिस, देखिए जैसे आपकी एक ट्यूब है तो उसमें एक जगह कंस्ट्रिक्शन होगा और एक जगह इस तरह से इलोंगेशन होगा, तो जो खाना इधर था अब वो इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका इस तरह कंस्ट्रिक्शन होगा और ये रिलैक्स हो जाएगा, इस तरह ऐसे बढ़ता चला जाता है। इस तरीके के मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कौन बढ़ाएगा, मोटिलिन हार्मोन, ठीक है। अगला हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन निकलता है डी सेल से। कहां से निकलता है, डी सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के डी सेल से ये निकलेगा। और इसका मेजर फंक्शन क्या रहता है, पहले तो ये ग्रोथ हार्मोन के जस्ट अपोजिट काम करता है। और इसका दूसरा काम जो डाइजेशन में है वो ये है कि जितने भी हार्मोन आपने ऊपर पढ़े इन सभी का सीक्रेशन ये कम करवाता है। थैंक यू।